मौत का पार्किंग लॉट पार्ट 3। और अब बोल देना उन दोस्तों से, 12 घंटे हैं उनके पास। अगर मुझे मेघा 12 घंटों में नहीं मिली तो मेघा की लाश तुम्हारी चौखट पर मिलेगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अघोरी, जो अभी अभी अपनी मौत से सामना करके आया था, एक कोने में बैठा चुपचाप अपनी चिलम फूकने लगा। मिस्टर चार्ल्स भी हैरानी से अघोरी नंदा की ओर इस उम्मीद से देख रहे थे कि शायद उन्हें कोई जवाब मिले। कुछ ही देर बाद मिसेस चार्ल्स अपने हाथ में पानी की बोतल लेकर वहां पहुंची और अपने पति को बोतल देते हुए बोली, चार्ल्स, हम यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हर बीतते लम्हे के साथ मेघा की जान खतरे में है। बिना तैयारी के वहां जाना मौत को दावत देने जैसा होगा। इसके सिवा रास्ता ही क्या है हमारे पास? हेमा को बचाना मतलब मेघा की जान को खतरे में डालना होगा। जिस पिशाच को माया और शक्ति से पराजित ना कर सको, उसे बुद्धि के बल से परास्त करना ही उचित है। पर कैसे? पिछली बार उस चुड़ैल से जब सामना हुआ था तो आपकी जान पर बनाई थी। भोले का भक्त हूँ, मौत के साथ रोज तांडव करता हूँ। अगर ये मेरी आखिरी रात भी है तो यही सही, पर उसका सर्वनाश तो मैं हर हाल में करके रहूंगा। अब जो मैं कहने और करने वाला हूँ वो बात ध्यान से देखना और सुनना। अघोरी ने चार्ल्स दंपत्ति को अपने हवन कुंड के पास बैठा एक यज्ञ शुरू किया और हर मंत्र के जाप के साथ हवन कुंड में घी की आहुति लगवाई। मिस्टर चार्ल्स भी अघोरी के पीछे मंत्रों को बुदबुदाने लगा। यज्ञ समाप्त होते ही अघोरी ने दोनों के सर पर एक भभूत लगाई और उनसे कहा, मेरे महादेव की ये भभूति तुम्हारी रक्षा करेगी। अब तुम दोनों को निकलना चाहिए, मैं जल्दी ही तुमसे उस पार्किंग लॉट में मिलूंगा। इतना कहते ही अघोरी जंगल के भीतर चला गया और वहीं दूसरी ओर चार्ल्स दंपत्ति भी अपनी गाड़ी की ओर चल दिए। जहां एक तरफ शैतान से लड़ने की तैयारी चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर आर्या मेघा के साथ वो सलूक कर रही थी जो एक जेलर भी अपने कैदियों के साथ करने की नहीं सोचता होगा। आर्या अपनी मायावी शक्तियों से मेघा को हवा में उठाए कभी दीवार में उसके शरीर को दे मारती तो कभी उसके शरीर को जकड़ती, जिससे वो दर्द में जोर से चीखती और चिल्लाती, और अंत में जब मेघा में दर्द सहने की क्षमता ना होती तो वो उसे छोड़ देती। यार मेघा, लगता है तुझे कोई प्यार ही नहीं करता। 3 घंटे से तुझे टॉर्चर कर रही हूँ, सोचा था मजा आएगा, अब तो मुझे भी बोर कर रही है। मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, तुम्हें जानती भी नहीं, प्लीज जाने दो, आई बेग यू। अबे यार, फिर से वही घिसी पिटी बॉलीवुड वाली लाइन, कुछ नया बचा ही नहीं लोगों के पास। चल मैं तुझे कुछ मजेदार दिखाती हूँ। इतना कहते ही आर्या अपने बंधे बाल खोलती है और अपने गले में पहने अपने हार को उतारती है। आर्या के हार उतारते ही मेघा के सामने उसका असली रूप आ जाता है, जिसे देख मेघा थरथराने और अपनी जान की भीख जोर जोर से चीख कर मांगने लगती है। क्योंकि आर्या जब अपने असली चुड़ैल के रूप में उसके सामने खड़ी थी, उसके लंबे नुकीले नाखून और बड़े बड़े दांत, जो एक दिलेर व्यक्ति को भी रात में बुरे सपने दिखाने के लिए काफी थे। इससे पहले आर्या अपने नाखूनों से मेघा के जिस्म को कुरेदना शुरू करती, उसे किसी के आने का एहसास हुआ और वो मेघा के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, लगता है आज तेरी किस्मत अच्छी है लड़की, जो समय से पहले तुझे बचाने आ गए वो लोग। चलें। मिस्टर और मिसेस चार्ल्स अपनी गाड़ी उसी 13 नंबर की पार्किंग में लगाते हैं, जहां पिछली बार मेघा का सामना हेमा के भूत से हुआ था। गाड़ी लगाते ही मिसेस चार्ल्स ने अपने हाथ में क्रॉस पकड़ एक मंत्र को बुदबुदाना शुरू किया। By the secret word of ancient incantations, I command you, spirit to depart, be gone, and let this place be cleansed. मिसेस चार्ल्स ने अभी अपना मंत्र पूरा भी नहीं किया था कि अचानक उन्हें किसी काली शक्ति के हंसने की आवाज आने लगी। मिस्टर चार्ल्स भी इस खतरे को भांप गए थे, इसलिए उस शैतानी हंसी को तुरंत सुनते ही उन्होंने अपनी जेब से हॉली वाटर की एक छोटी सी बोतल निकाल चारों तरफ देखने लगे। अचानक एक काला धुआं पूरे पार्किंग लॉट में फैल चुका था
और उस काले धुएं में उभरी आर्या अपने खोखार चुड़ैल के रूप में मेघा को उसके बालों से घसीटते हुए बोली, अरे हेमा कहाँ है? वो यही है, पर पहले तुम मेघा को हमारे हवाले करो। मुझे पता है तुमने उसे एक बोतल में कैद किया है, मुझे वो बोतल चाहिए। एक हाथ दे, एक हाथ ले। आर्या के कहने पर मिसेज चार्ल्स ने कुछ देर सोचा और फिर आखिरकार उन्होंने गाड़ी में से वो कांच की बोतल निकाली जिसमें हेमा की आत्मा कैद थी। इससे पहले कि मिसेज चार्ल्स वो बोतल आर्या के हवाले करती, मिस्टर चार्ल्स ने मौका देख होली वाटर आर्या के चेहरे पर छिड़क दिया और मिसेज चार्ल्स ने एकदम से आर्या से मेघा के बाल छुड़ा, उसे अपनी तरफ बचाकर सुरक्षित ले आई। होली वाटर चेहरे पर छिड़के जाने से आर्या अपना चेहरा पकड़कर बेतहाशा चिल्लाने लगी, मगर जब उसने अपने चेहरे से हाथ हटाया तो उसके चेहरे पर जलना तो छोड़ो, खरोंच का एक निशान भी नहीं था। और हाथ हटाते ही उसकी चीख एक खूंखार हंसी में तब्दील हो चुकी थी। तुम्हें क्या लगता है ये होली वाटर मेरे जिस्म और रूह को सड़ा देगा? ऐसे पानी से मैं अपने खून से सने हाथ रोज धोती हूँ, बड़े आए मुझे रोकने वाले। चार्ल्स भागो, भागो चार्ल्स भागो। चार्ल्स अभी भागने को हुआ ही था कि आर्या ने उसे अपने एक हाथ से पकड़ गाड़ी पर दे मारा। आर्या के क्रोध की आंधी दूर दूर तक शांत होती दिखाई नहीं दे रही थी और इसी क्रोध की आंधी का अगला शिकार मिसेस चार्ल्स हुई, जो आर्या की जोरदार लात पड़ने के कारण एक खंबे से टकराकर बेहोश हो चुकी थी, मगर वो बोतल अभी भी उसके हाथों से हिली तक नहीं थी। मेघा, जो अभी भी बुरी तरह से घायल थी, रेंग कर जितना हो सके दूर जाने की कोशिश करने लगी, पर आर्या ने उसे अपने पैरों के तले ऐसा रौंदा जिस तरह एक शेर अपने शिकार को रौंदता है। तेरे दोनों मसीहा मुझे मारने आए थे, अब खुद मौत की गोद में जाने वाले हैं, पर उनसे पहले डार्लिंग तेरी बारी है। जैसे ही आर्या ने मेघा का सर अपने दोनों हाथों से पकड़ा, मेघा के होश ठंडे पड़ चुके थे और देखते ही देखते उसने मेघा की गर्दन मरोड़कर उसके जिस्म से उसकी रूह को हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया। अब आर्या अपने अगले शिकार की तरफ ये कहते हुए बढ़ी। One down, two to go. आर्या ने पार्किंग लॉट में एक किनारे पर पड़ी हुई ईंट उठाकर मिसेस चार्ल्स के माथे की ओर फेंकी, पर इससे पहले कि वो ईंट मिसेस चार्ल्स के सर को कुछ नुकसान पहुंचाती, वो एक रक्षा कवच से टकरा आर्या के माथे पर ही आ लगी। आर्या हैरान थी कि उसने अपने पैर पर ये कुल्हाड़ी कैसे दे मारी। इतने में पीछे से उसे किसी के हंसने की आवाज आई और ये आवाज थी अंधेरी राह में आशा की आखिरी किरण अघोरी नंदा की। अघोरी नंदा के कपड़ों और उसके रूप में कुछ बदलाव आ चुका था, वो शरीर से सुडोल और शक्तिशाली दिख रहा था। तू फिर मरने आ गया? मरने आया हूँ या मारने, अभी पता चल जाएगा। आर्या जैसे ही उड़कर अघोरी नंदा के पास पहुंची तो अघोरी गायब हो चुका था। उसने नजर बाई और घुमाई तो अघोरी वहां खड़ा उस पर हंस रहा था। गुस्से में भन्नाई आर्या एक बार फिर उसके पास उड़कर पहुंची तो अघोरी ने उसका गला पकड़ उसका सर जमीन में गाड़ दिया। आर्या ने जैसे तैसे अघोरी से अपना सर छुड़ा, अघोरी से दूर भागने की कोशिश की। अघोरी ने अपनी मायावी शक्तियों से उस पार्किंग लॉट में एक मायावी द्वार खोला और अपनी पूरी शक्ति से उसे उठाकर उस द्वार के आर पार फेंक दिया और मायावी द्वार को बंद कर दिया। आर्या ने जब अपना होश संभाला तो खुद को एक ऐसे कमरे में पाया जहां सिर्फ गोल आकार की चीजें ही लटकी हुई थी। उसने गुस्से में बुदबुदाते हुए एक गोल पहिए की तपस्या करती हुई एक औरत से पूछा, कौन है तू और ये कैसी जगह है? वो जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि क्या तुम गोल बाबा और उनके सत्य को मानती हो कि दुनिया और हम सब गोल हैं? चुप कर पागल औरत, मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बता वरना जान से मार दूंगी। इससे पहले कि आर्या अपनी बात समाप्त कर भी पाती, कमला ने उसे भी अपना शिकार बना लिया और जैसे उसने कई बार किया था, देखते ही देखते आर्या कमला देवी के माथे के गोले में खींचकर उसमें हमेशा हमेशा के लिए समा गई। और आखिरकार फिर से एक बार अघोरी ने दुनिया को बता दिया कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अच्छाई के आगे हमेशा छोटी पड़ जाती है।
दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।